फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएस केसी किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं अम्बी स्पेशल, कच्चे आम का आम पन्ना। इसको जब हम लेते हैं गर्मियों में तो इसकी तासीर बड़ी ठंडी होती है, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, तो ये सीज़न के हिसाब से ही बनाया जाता है। तो आइए फ्रेंड्स बनाते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमने लिया है कच्चा आम, लिए हैं 3। आप इसको ज़्यादा भी ले सकते हैं, कम भी ले सकते हैं, अपनी ज़रूरत के हिसाब से। मैंने 3 लिए हैं। और लिया है काला नमक, लिया है मैंने चीनी, ली है और भुना हुआ जीरा लिया है। तो ये फ्रेंड्स बनाते हैं। सबसे पहले हम इसके छिलके उतार लेंगे और इसको बॉईल करने के लिए रख देंगे। देखिए छिलके उतार दिए हैं, हम इसको बॉईल करेंगे। अब इसको 1-2 सीटी के बाद बंद कर देना है। पानी जितना डालें कि जितने बस ये भीग जाएं, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना। ये देखिए हमने इसको ग्राइंड कर लिया है बॉईल करने के बाद। ये देखिए ऐसे हो जाएगा। अब इसको गैस पे रखेंगे और इसको थोड़ा चलाएंगे, इसमें उबाल आना शुरू हो जाएगा। तब इसमें काला नमक डाल देंगे। मैंने 3 अंबे में 1/2 से 1/4 चम्मच नमक डाला है। जीरा डाला है मैंने 1 चम्मच और चीनी भी मैंने डाली है। इसमें कई लोग डायरेक्ट इसको पानी में घोल के पीते हैं तो चीनी ज़्यादा डलेगी। अगर आप अलग से पानी में घोल के और थोड़ा इसको डालेंगे तो आप चीनी कम डाल सकते हैं। तो अगर मैं डायरेक्ट डालती हूँ तो मुझे चीनी की क्वांटिटी भी बढ़ानी पड़ेगी। वैसे मैं 4 से 5 चम्मच डालती है, मैंने 8 चम्मच से 9 चम्मच तक डाल दिए हैं ताकि डायरेक्ट भी हम इसको पानी में डाल के और आइस के साथ इसको सर्व कर सकते हैं, क्योंकि इसकी तासीर ठंडी होती है और ये गर्मियों में ही पिया जाता है। ये सीजनल है, इन्हीं दिनों में इसका सीज़न है। इसको उबाले आने शुरू हो चुके हैं, थोड़ी सी देर इसको रखेंगे, गैस सिम कर देंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। आप ट्राई कीजिए और कमेंट करके बताना आपको कैसे लगा। ये लगभग बन रहा है और इसको हम चलाते रहेंगे। इसमें गाढ़ापन भी आ गया है क्योंकि इसको हमने छाना नहीं है, वैसे भी ऑलरेडी गाढ़ा ही था। इसको और मसाले वगैरह अच्छे से इसमें रस जाएंगे। हम चीनी डाल रहे हैं इसमें। मीठा आप अपने हिसाब से बढ़ा भी सकते हैं। अगर आपको अलग से मीठा घोल के नहीं पीना, इसी को ही आप डाल के पीना चाहते हैं तो आप मीठा थोड़ा ज़्यादा रख सकते हैं ताकि आप डायरेक्ट डाल के ग्लास में ठंडा पानी या आइस डाल के आप सर्व कर सकते हैं। देखिए उबाले आ रहे हैं, लगभग रेडी हो चुका है ये। देखिए लगभग बन चुका है, इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे और साथ में गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और इसका ठंडा होगा इसको सर्व करेंगे।